अतीत में दबे पांव वितान पुस्तक का यह पाठ लिखा है ओम थानवी जी ने, जिसमें इन्होंने मोहन जोदाड़ो के बारे में कुछ खास बातें बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज हुई थी और दो स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया था। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नाम के दो नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी मरे हुए व्यक्तियों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। टीला होता है मिट्टी का एक ऊंचा उठा हुआ छोटा पहाड़ जैसा। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम मिला। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का सबसे उत्कृष्ट नगर है। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने हुए चित्र, भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने सब मिले हैं। मोहनजोदाड़ो अपने दौर में सभ्यता का केंद्र था। संभवतः यह इस क्षेत्र की राजधानी था। यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 5000 वर्ष पूर्व यह एक महानगर था। इस नगर में सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नामक नगर था, जिसके साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के समय नष्ट हो गए थे। यह नगर मैदान में नहीं है, अपितु टीलों में बसा हुआ है। ये टीले प्राकृतिक नहीं हैं, लेकिन मानव ने बनाए हैं। इनमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है। यह कार्य सिंधु के पानी से बचाव के लिए किया गया था। यह नगर भले ही आज खंडहरों में बदल गया है, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः ही कह देते हैं। यहाँ की प्रायः सभी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। सिर पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है, जिसे महाकुंड नाम दिया गया है। महाकुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नान घर हैं, जिनमें किसी का भी द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। 3 और साधुओं के कक्ष हैं। उस काल की सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंट से बनाए गए हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को न आने देने का ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए एक तरफ कुआं है। यह कुआं दोहरे घेरे वाला है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और उनसे ही ढकी हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था इससे पहले के इतिहास में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार हैं। यहाँ कर रूप में आया अनाज रखा जाता था। यहाँ 9-9 चौकियों की 3-3 हवादार कतारें हैं। उत्तर में एक गली है, जिसके माध्यम से बैलगाड़ी में अन्न आता होगा। इसी प्रकार का एक ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी मिला है। मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर
बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है और इसका निर्माण का लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। राखाल राय दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी, यानी मेसोपोटामिया के साथ होने लगी। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठता है। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदाड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। राज्य सत्ता व धर्म सत्ता के केंद्र चार दीवारी के भीतर ही थे, बाकी गढ़ के कुछ दूर पर स्थित थे। संसार में गढ़ के स्वरूप संभवतः मोहनजोदाड़ो के इस रूप से ही प्रभावित हैं। मोहनजोदाड़ो में यह अकेली एक ऐसी इमारत है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बची रह सकी है, यानी कि इसका अभी भी वही स्वरूप जो है पहले था वह अभी भी बाकी है, अन्यथा शेष इमारतें आज खंडहर के रूप में मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी होती थी। यह खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ जवार, बाजरा और रागी उत्पन्न होती थी। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते थे। कपास की खेती भी होती थी। मोहनजोदाड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ साथ रंगाई भी की जाती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में मिला है। यह सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर था और राजस्थान में तांबे की खाने थी। इनके ही उपकरण खेतीबाड़ी में काम में लिए जाते थे। यहाँ रबी की फसल में कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के तो पुख्ता प्रमाण मिले हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में एक भग्न इमारत है, यानी टूटी हुई एक इमारत है, जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह संभवतः राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं, जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं और कुएं भी अधिक हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने वाले पुरातत्व वेताओं के संक्षिप्त नाम से मोहल्ले बन गए हैं, जैसे डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। डीके के नाम पर दो हल्के हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, अब तो आधा मील बची है और इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर बने हुए हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं है। उनके दरवाजे अंदर गली में हैं। मुख्य सड़क की ओर हर घर की पीठ है। किसी के घर जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ समानांतर ढकी हुई गलियां हैं। हर घर में स्नानागार हैं। खुली नालियां भीतर बस्ती में भी नहीं हैं। घर का पानी पहले घर की होदी में आता है और फिर सड़क की नाली में। बस्ती के भीतर 9 से 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं। बस्ती में कुएं हैं। पूरे मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। सिंधु घाटी की यह सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के कारण जल संस्कृति कही जा सकती है।
बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं, शायद यहाँ दो मंजिले मकान रहे हों। कुछ दीवारों में छेद हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये शहतीर के छेद हों। सभी घर 1:2:4 की भट्टी की पक्की ईंटों से बने हुए हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग नहीं के बराबर किया गया है। छोटे बड़े सब घर एक पंक्ति में हैं। अधिकतर 30x30 फुट के हैं। कुछ इनमें दोगुने व तिगुने आकार के भी हैं। वास्तुकला प्रायः सभी एक जैसी है। एक घर मुखिया का घर कहलाता है। इसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। बड़े घरों के ऊपर की मंजिल के निशान हैं। छोटे बड़े सभी घरों में कमरों का आकार प्रायः छोटा है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शहर की आबादी ज़्यादा होगी। छोटे घरों में छोटी सकनी सीढ़ियां हैं जिनके पायदान ऊंचे हैं, शायद यह जमीन की तंगी के कारण है। घरों की खिड़की व दरवाजे और छज्जे भी नहीं हैं। नहर के चिन्ह भी नहीं मिले हैं। लगता है उस काल में बारिश खूब होती होगी, कुओं की अधिकता थी, कभी पानी के अभाव में इलाका उजड़ गया होगा। मोहनजोदाड़ो की गलियों व घरों को देखकर लेखक को राजस्थान याद आता है। ज्वार बाजरे की खेती व बेर तो समानता के कारण है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का कुलधरा गांव भी तो मोहनजोदाड़ो की याद दिलाता है। इस गांव के निवासी अपने राजा से तकरार के कारण सारा गांव खाली करके चले गए थे। पीले पत्थरों से बना यह सुंदर गांव अपने बासिंदों की मानो प्रतीक्षा कर रहा है। राजस्थान के समान ही गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुआ करते थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया है। उसमें सिंधु घाटी से 100 वर्ष पहले प्रयोग होने और खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया है। बैलगाड़ी में अरे वाले पहिए परवर्ती हैं। अब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे हैं। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतरे हुए पहिए काम कर रहे हैं। खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। यह किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है। अजायब घर छोटा है, सामान भी ज़्यादा नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। जो केले मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर विशाल मृदभांड यानी मिट्टी के घड़े, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाब बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। इसके अतिरिक्त अजायब घर में एक आश्चर्य की बात है कि यहाँ हथियार कोई नहीं है। लगता है इस सभ्यता में अनुशासन शक्ति के बल पर नहीं था, शायद कोई सैन्य सत्ता यहाँ नहीं थी। सांस्कृतिक धरातल पर इस सभ्यता में सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता थी, अतः ही यह सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से भिन्न थी। इस संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियाँ, मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट बहुत छोटा है, नावें भी छोटी हैं। यह लोग लघुता में महत्व अनुभव करते थे।
मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से समृद्ध भी था। इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव रहा है। इस सभ्यता की अधिक चर्चा न होने के कारण इसकी अभी तक न पढ़ी जाने वाली लिपि भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लेखक लिखता है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें और उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित नहीं हो करके समाज के द्वारा पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अजायब घर में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां भी मिली, जिनमें एक तो 2 इंच लंबी है। ये शायद कसाईदाकारों के काम आती होगी, यानी कढ़ाई करने के काम आती होगी। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला है। खुदाई में हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई। अब तो इन खंडहरों को बचाना भी एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है, क्योंकि अब इनका क्षरण शुरू हो गया है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी बसी थी। और इसकी मुख्य बात यह है कि इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, जो इसके नष्ट होने के बाद इसे नाम दिया गया। आप अपने कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आप इस सभ्यता के बारे में और अधिक क्या जानते हैं। मैं अगले अपने वीडियो में इस सभ्यता की जो भी खास बातें आप मुझे बताएंगे, तो मैं एक फिर से वीडियो बना करके वो सब बातें भी उसमें ऐड करूंगी। और आप अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर बुरा लगता है तो भी आप बताएँ कि आपके सजेशंस क्या हैं। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।